हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल लक्की में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आप मेरे ख्याल से तो बढ़िया होंगे। तो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हम लोग यूट्यूब वीडियो को डिलीट करने से क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो में डिलीट करने से आपका चैनल में क्या क्या होगा उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो आप वीडियो में इन तक बने रहे। तो दोस्तों, आपका वीडियो में जब आप कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप डिलीट कर देते हैं। कॉपीराइट क्लेम किस लिए आता है दोस्तों? कॉपीराइट क्लेम इसलिए आता है क्योंकि आप किसी का म्यूजिक या वीडियो उठाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हो, तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आप इसी वजह से आप अपना वीडियो डिलीट कर देते हैं चैनल से। तो दोस्तों, है ना, आप इसमें एडिट भी कर सकते हो म्यूजिक को, है ना। म्यूजिक में आपको एडिट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डाउनलोड करने के लिए आपको YT स्टूडियो खोलना पड़ेगा, वहां आपको म्यूजिक मिल जाएगा फ्री वाला, जो नो कॉपीराइट म्यूजिक रहता है दोस्तों। और दूसरा आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, इसमें 7 दिनों का स्ट्राइक आ जाता है जिससे आप वीडियो नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, इसको देखना है कि पहले से वीडियो को डिलीट नहीं करना है, इसको देख लेना है कि गलती से हुआ है कि क्या हुआ है। उसके बाद 7 दिनों तक आपको देख लेना है, उसके बाद यूट्यूब से आपको कुछ मैसेज या ईमेल आएगा कि आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया है, तो उसको आप डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। इससे डिलीट करने से इसमें खुद लिखाएगा कि आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया है, वो हमेशा लिखाता है। तो दोस्तों, 7 दिनों तक इंतजार आप लोगों को करना है ना, वो तो खुद यूट्यूब ही कर देता है डिलीट, तो आपको नहीं करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, किसी का कंटेंट उठाकर डाल देते हैं और या अलग अलग कंटेंट में डाल देते हैं वीडियो, जिससे वीडियो में व्यू भी नहीं आता है और किसी किसी में आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को देखना है कि किस कंटेंट में आपका व्यू आ रहा है, सब्सक्राइब आ रहा है, उसी कंटेंट में आपको बनाना है जिससे आपका चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आप यूट्यूब वीडियो को डिलीट करने से क्या होगा। तो दोस्तों, यूट्यूब वीडियो को डिलीट करने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, और जैसे कि इम्प्रेशन जा रहा है एक वीडियो में 10 से 15,000 या 1,00,000, तो दोस्तों अगर आप वीडियो को डिलीट करते जाओगे तो आपका जो रहेगा वो नीचे नीचे आएगा, तो जिससे आपका इंप्रेशन भी नहीं जाएगा और न तो व्यू जाएगा, ग्राफ रहता है वो पूरा डाउन हो जाएगा वीडियो को लगातार डिलीट करने। तो आप अगर चैनल में आप अच्छा काम करते हो तो एक ही कंटेंट में वीडियो बनाए, है ना। आप जैसे पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा वाला वीडियो बनाए, अगर कॉमेडी वाले तो कॉमेडी। आप लोग क्या करते हो कि कोई कॉमेडी वीडियो डाल दिया है ना, और जैसे रिव्यू आ रहा है तो भी आप डाल देते हो, है ना, मोबाइल वगैरह का या और पबजी वाला गेम हो गया उसका वीडियो डालकर डाल देते हो। तो ऐसा वीडियो आपको नहीं डालना है जिससे आपका व्यू भी खराब आए और चैनल भी बर्बाद हो। तो दोस्तों, आपको देख लेना है कि आपको कौन सा क्या पसंद है, मनी अर्निंग पसंद है या यूट्यूब चैनल के बारे में पसंद है या गेमिंग पसंद है, तो उसको आपको एक ही कंटेंट में वीडियो बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को आप डिलीट करते तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, डिलीट मत करिए, ठीक है। जिसका आप जितना वीडियो बना रहे हैं उतना वीडियो बनाइए, ठीक है। अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तभी वीडियो को डिलीट करें, और कम्युनिटी गाइडलाइंस आता है तो उसको डिलीट नहीं करिए, ताकि आपका चैनल अच्छा से रहे। अगर आप अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो एक ही कंटेंट पे वीडियो बनाएं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।